10th. Now we read the remaining part of this chapter 4, Daddy of Young Girls है. Page number 51. We start from here. Since no one would understand a word of my story to Kitty. Here Kitty is the name of Annie Frank diary we end from here, called his name Kitty. Kitty उस लड़की के डायरी का नाम है, एनी फ्रैंक, जो एक का अपनी बारे में लिखती है, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम की घटना है. तो नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी इफ आई वर टू प्रोलॉन्ग राइट इन आई हैड बेटर. यहाँ हेड है, देखिए पढ़े होंगे हम लोग, यहाँ हम आएंगे आपको हेड बेटर. देखिए यूनिट में आप 35 इंटरमीडिएट में हेड बेटर इट इज टाइम क्या मीनिंग होता है, हम लोग इस पर जब कि आज फोकस करेंगे. ज़्यादा आज फोकस ग्रामर पर ही होगा क्योंकि स्ट्रक्चर है, यहाँ आप लोग बना भी लेंगे. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी इफ आई वर टू प्रोलॉन्ग राइट इन प्रोलॉन्ग राइट इन सब मीनिंग भी देख लीजिए, बताए थे आप लोगों को डिजल भर. पिछले क्लास को आप याद कीजिए, जैसे फ्रेजल भर बताया गया था, फ्रेजल भर भीजिए भर फॉलोड बाई प्रीपोजिशन और एडन भर. इट मीनिंग इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट्स पार्ट. कभी कभी अलग मीनिंग हो जाता है, कभी कभी स्पेशल मीनिंग भी होने लगता है. तो देखिए यहाँ मैच करने के लिए प्लंज इन गो स्ट्रेट टू द टॉपिक, मैंने सीधे टॉपिक पर चले जाना है ना. प्लंज इन गो स्ट्रेट टू द टॉपिक, प्लंज तो गोता लगाना होता है, लेकिन यहाँ प्लंज इन देखिए, प्लंज इन गोता अंदर में गोता लगाना ही तो मीनिंग काम नहीं किया, तो स्पेशल मीनिंग हो गया प्लंज इन, अर्थात इससे क्या हो जाएगा गो स्ट्रेट टू द टॉपिक. इससे इसको मैच कर देंगे, गो स्ट्रेट टू द टॉपिक, सीधे टॉपिक पर जाना प्लंज इन, ठीक है. मैच कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में, जो मैचिंग करने के लिए जो टेस्ट लिए थे प्रेजल भर्ब का, उसमें मैच प्रेजल भर्ब की मीनिंग को मैच करने के लिए हमने दिया था, बनाए भी थे आप लोग. आज के मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर हम लोग प्रेजल भर्ब का प्रयोग करते हैं, जरूरी भी है, बहुत जगह हमारे टेक्स्ट में हर जगह प्रेजल भर्ब का प्रयोग मिलेगा, हर चैप्टर में इडियम फ्रेज का प्रयोग मिलता है, ग्रामर के कुछ स्ट्रक्चर भी मिलते हैं जिस पर हम लोगों को फोकस करके चलना होगा. तो देखिए खैर इफ आई वर, देखिए आई के साथ तो वर्ड लगता है लेकिन वर का प्रयोग किया गया है, इमेजिनेशन है, वो कल्पना करती है, सोचती है, जो वास्तविक सिचुएशन से हट के है. इसको भी हम लोग पढ़े थे है ना इंटरमीडिएट में, हम फिर से आज इस पर फोकस कर देते हैं है ना. आप इसेंशियल में भी देखे होंगे इफ़ आई हैड, इफ़ आई वेंट, देखिए यहाँ पर इफ़ आई वाज वर का प्रयोग, यू कैन से इफ आई ही सी इट वाज या वर दोनों आ सकता है. इट इज कोल्ड, ठंडी है. इफ़ आई वर यू आई पुट योर कोट ऑन है ना, और इफ़ आई वाज यू दोनों चलेगा, लेकिन जनरली वर का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं, जैसे आई वर का प्रयोग यहाँ हुआ है. तो होता क्या है कि हम अमेजिन करते हैं सिचुएशन को, अमेजिन करके चलते हैं जो हकीकत में अभी है उससे हट करके, जैसे इट इज कोल्ड, ठंडी है. अगर देखिए यहाँ पर इट इज कोल्ड, इफ़ आई वर यू आई वुड पुट योर कोट ऑन, अगर मैं तुम्हारी जगह होती या होता तो आई वुड पुट योर ऑन योर कोट ऑन, तो मैं अपना पहन लेता कोट को, पुट ऑन का मतलब पहनना, अपना कोट पहन लेता
अर्थात इफ आई वर यू, मैं आपकी जगह होता, मैं तो आपकी जगह हूँ नहीं। इफ आई वर यू आई वुड स्लैप हिम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसको थप्पड़ मार देता। देखिए पास्ट में लग रहा है कि वर का प्रयोग किए हैं, पास्ट में है वर वुड विल का वुड है, लेकिन मीनिंग प्रेजेंट में है या फ्यूचर में दिखाई आपको देगा। यहाँ सोचते हैं कि सिचुएशन जो हम अभी सोच रहे हैं उससे थोड़ा अलग है, हट के है ना। इफ़ आई हैड मनी, इसी सी में देखिए कैसे अमेजिंग कर रहा है। इफ़ आई हैड द मनी डॉट डॉट, द कार खरीदता। इफ़ आई हैड द मनी आई वुड बाई ए फास्ट कार, तो मैं एक फास्ट कार को खरीद लेता। डेन लाइक, डेन नाम है इसका, डेन लाइक फास्ट कार, बट ही डज नॉट हैव वन, लेकिन इसके पास एक भी कार नहीं है। ही डजंट हैव एनफ मनी, पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एनफ मनी पर्याप्त पैसा भी नहीं है। ये सोचता है दिमाग में, देखे इसके दिमाग में कल्पना आती है, इमेजिनेशन होता है कि इफ आई हैड मनी आई वुड बाई ए फास्ट कार, अगर मेरे पास पैसा होता ना तो मैं कार खरीद लेता। यूजुअली हैड इज ए इज इन पास्ट है, हैड तो पास्ट में ही है, वी टू है, बट इन दिस सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस में हैड इज नॉट द पास्ट, लेकिन पास्ट में इसका मीनिंग नहीं है। इफ आई हैड मनी, ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि इफ ही हैड द मनी नाउ, ब्रैकेट में देख रहे हैं, बट ही डज नॉट हैव इट, अर्थात इसके पास नहीं है। भर्ब का फॉर्म पास्ट में है, लेकिन मीनिंग कहाँ है, प्रेजेंट में है, इमेजिनेशन है ना। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई टू यू, मैं तुम्हारे पास उड़ करके चला आता, इमेजिन करता है। इफ ऑल बॉयज वी आर मंकी, है ना, अगर सारे बच्चे बंदर हो जाए, देखिए तुम होंगे तो नहीं, तो जब हम इमेजिन करते हैं इस तरह का, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, अगर हो जाए तो। इफ ऑल बॉयज वी आर मंकी देन दे वुड डू एनी थिंग्स, तब लोग कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर देंगे। दैट वाई ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द वर्क ऑफ ए मंकी, क्योंकि हम सबको पता है कि मंदर का काम क्या है। तो लेकिन इमेजिनेशन होता है ना, अगर मेरा नंबर उसके पास होता तो मैं फ़ोन करता। इफ आई हैड हर नंबर आई वुड फोन हर, अर्थात मेरे पास नहीं है नंबर इसलिए हम फोन नहीं कर रहे। तो रियल सिचुएशन से हट के होता है, आप इंटरमीडिएट में भी आके देख सकते हैं, थोड़ा इस पर फोकस कीजिए। इफ आई वुड में, इफ आई डिड में देखिए पास्ट, पास्ट वाला में आ जाइए। जैसे सू हैज लॉस्ट हर वॉच, सू हो गई है, सी थिंक इट मे बी एट एंड हाउस, सोचती है कि हो सकता है कि एन के घर पर हो। सू आई थिंक I left my watch at your house. Have you seen it? क्या तुम देखी हो? मैं सोचती हूँ कि मेरा घड़ी तुम्हारे यहाँ छूट गया है। No, but I will have a look when I get home. नहीं, लेकिन मैं देखूँगी। I will have a look, मैंने देखना। When I get home, मैं get का मतलब यहाँ पहुँचना, जब पहुँचेंगे तो। If I find it, आई विल टेल यू, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं तुमको कहूँगी। इन दिस एग्जाम्पल एंड्स फील देयर इज ए रियल पॉसिबिलिटी, यहाँ रियल पॉसिबिलिटी है कि अगर मिल जाएगा तो मैं कह दूंगी। दैट सी विल फाइंड द वॉच, वो वॉच को खोजेगी। सो सी से इफ आई फाइंड आउट डॉट डॉट, देखिए इफ आई फाइंड आई विल टेल यू, लेकिन यही दूसरा में जब हम आएंगे ए आई इफ आई डिड एंड से इफ आई फाउंड ए वॉलेट इन ए स्ट्रीट आई वुड टेल इट टू द पुलिस, अगर मुझे वॉलेट मिल जाए स्ट्रीट में तो आई विल टेक इट टू द पुलिस, तो मैं किसके पास ले जाऊंगी, पुलिस। इमेजिन कर दिया, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन, यहाँ अलग टाइप हो गया सिचुएशन का। हियर एन इज नॉट थिंकिंग अबाउट द रियल पॉसिबिलिटी, पर वाला में तो रियल पॉसिबिलिटी है कि ठीक है मिल जाएगा तो मैं कह दूँगी, लेकिन यहाँ
एंड इज नॉट थिंकिंग अबाउट ए रियल पॉसिबिलिटी, सी इज इमेजिनिंग कर रही है द सिचुएशन, इमेजिनिंग द सिचुएशन एंड डजंट एक्सपेक्ट, उम्मीद नहीं करती है टू फाइंड ए वैलेट इन द स्ट्रीट, सो सी से इफ आई फाउंड, इसीलिए कहती इफ आई फाउंड वैलेट इन द स्ट्रीट तो आई वुड क्या कर दूंगी, आई वुड टेक इट टू द पुलिस, मैं पुलिस को ले जाऊंगी, पुलिस के यहाँ लेकर के जाऊंगी। तो व्हेन वी इमेजिन समथिंग लाइक दिस तो यूज वी प्लस पास्ट का प्रयोग करते हैं, और जब पॉसिबिलिटी इमेजिन करते हैं तब, और जब रियल पॉसिबिलिटी हो तो इफ के बाद हम लोग प्रेजेंट सिंपल का, जब इमेजिन करते हैं तो इफ के बाद हम लोग पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा ना, अगर मैं चिड़िया होता, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। और ये भी ध्यान रखना है कि यह तो रियल पॉसिबिलिटी नहीं है, संभव नहीं है कि मैं चिड़िया हो जाऊं और आपके पास चले आऊं उड़ करके या आसमान में उड़ूं। हाँ, ये बात ध्यान, ये दूसरा फॉर्म है हम लोगों का, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस पर ही है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा, इसको बना भी लेंगे एक्सरसाइज को आप लोग देख करके, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस तरह का स्ट्रक्चर अक्सर आता है। जैसे आपको यहाँ आ भी गया कि इफ आई वेयर टू प्लंज राइट इन, अगर से स्टेट में टॉपिक पर मैं चल जाऊँ तो हमको नहीं लगता है कि कोई किसी को मेरा डायरी का एक शब्द भी समझ में आए। ये मुझे ऐसा मतलब कि मैं करने नहीं जा रही हूँ, सबसे पहले मैं जब डायरी लिखने जा रही हूँ अपने बारे में, तो अपना परिचय, अपने परिवार का परिचय, मेरा लिखने का क्या उद्देश्य है, इसको मैं तो बताऊंगी ही, तब तो किसी को समझ में आएगा। हालांकि मैं ये बताना नहीं चाहती हूँ, ये ठीक नहीं होगा क्योंकि मैं डायरी लिख रहा हूँ, लिख रही हूँ, तो इमेजिन करने वाली सिचुएशन है। जैसे देखिए यहीं पर आप, इफ आई वन ए मिलियन पाउंड, काश मैं मिलियन पाउंड अगर खरीद लेता ना, तो कोई गाड़ी खरीद लेता, एक घर खरीद लेता, इसमें आदमी इमेजिन करता है कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। जैसे व्हाट वुड यू डू इफ यू वन ए मिलियन पाउंड, क्या होगा अगर तुम मिलियन पाउंड अगर जीत लो तो, इतना पैसा अगर तुम लॉटरी में जीत लो तो, वी डोंट रियली एक्सपेक्ट दिस इज टू हैपन, यहाँ वास्तव में हम उम्मीद नहीं करते कि ऐसा होगा। इफ ऑल बॉयज वेयर मंकी, ये रियल में संभव नहीं है, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि अगर सारे बच्चे मंकी हो जाए तो देन दे वुड जंप फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच ऑन ट्री, तो वो लोग पेड़ पर एक डाली से दूसरे डाली पर कूदेंगे और क्या करेंगे, व्हाट कैन दे डू, है ना, आखिर करें क्या सकते हैं, लेकिन बंदर बच्चे तो बंदर होंगे नहीं, है ना, इसलिए जब हम इमेजिन करेंगे तो इस तरह का आएगा। आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी कभी हम इमेजिन कैसे करते हैं कि अगर होते वहाँ पर, इफ आई वर यू, अगर तुम्हारे पास अगर मैं होता है ना, तो आई वुड स्लैप हिम, मैं उसको थप्पड़ मार देती, है ना, ठीक है। अब आइए, तो समझ गए होंगे अब, हमको उम्मीद है ना, बाकी आप देखिएगा जहाँ दिक्कत हो इस चैप्टर में तो आप हमसे फिर पूछ सकती हैं, बनाइएगा, आंसर भी मिला लीजिएगा, समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो ही जाएगा, ठीक। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी, चूँकि कोई भी नहीं समझता एक शब्द भी मेरे किटी की कहानी को, किटी की कहानी जो मेरा ए वर्ड ऑफ माई, ये वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किट्टी, मेरी जो कहानी जो मैं लिख रही हूँ किट्टी के लिए डायरी पर में, तो उसका एक शब्द भी किसी को शायद समझ में नहीं आता, नहीं आएगा। इफ आई वेयर प्लंज राइटिंग, प्लंज मैंने सीधे अगर मैं टॉपिक पर चल जाऊँ, प्लंज राइटिंग, प्लंज का मतलब तो गोता लगाना होता है ना, तो प्लंज राइटिंग ये फ्रेजल वर्ब हो गया, तो गो स्ट्रेट टू द टॉपिक, फ्रेजल वर्ब के बारे में तो आपको बताया गया था, इसमें देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी खूब आएगा, क्योंकि स्पोकन आई हैव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताए भी थे आप लोग, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पिछले क्लास में,
देखिए आई वुड आई हैड दोनों का शॉर्ट फॉर्म एक ही हो जाता है, देख रहे हैं। इंटरमीडिएट में आपको शॉर्ट फॉर्म का पूरा एक यूनिट ही है जो आप लोग देखे भी होंगे, हम जिक्र किए थे एक बार जो इनका क्लास छूट गया होगा वो देख रहे हैं। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक शॉर्ट फॉर्म, हाँ शॉर्ट फॉर्म के लिए देखिए पूरा देख सकते हैं आप कैसे शॉर्ट फॉर्म इन स्पोकन इंग्लिश यूजुअली से हम आई एम यू आर डिंट ये सब शॉर्ट फॉर्म है, जैसे आई एम यू आर का डॉट डॉट का इस शॉर्ट फॉर्म के बॉक्स लिस्ट ऑफ द शॉर्ट फॉर्म आप एक जुलरी भर कर सके सब बॉक्स दिया हुआ है बॉक्स में। कभी कभी दो गो का एक ही इज और हैज का एक ही हो जाता है, सी इज इन सी इज इन सी हैज गॉन कैसे पता चलेगा, तो आगे अगर भी थ्री रहे तो हैज का हो जाएगा, जैसे सी 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 हैज गॉन में ना तो इसका देखिए दोनों का एक ही होगा। लेट्स लेटस हो गया, देखिए इसका तो लेटस हो गया है ना, लेट्स गो नाउ हम लोग चले अब आउट कैन बी, देखिए दोनों ही शॉर्ट फॉर्म उड का और हेड का एक ही जैसा हो जाता है। आई वुड सी ए डॉक्टर इफ आई वर यू, मैं एक डॉक्टर से मिलता अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो, उड का प्रयोग देख रहे ना, यहाँ हेड मत समझ लीजिएगा, आई वुड सी है ना यू, क्यों कैसे पता चला कि मॉडल वर्ब के बाद आपको बताया गया रहता है कि भी वन का प्रयोग करते हैं हम लोग, थैंक्स न, मॉडल वर्ब के बाद भी वन का प्रयोग होता है। इफ़ I would see a doctor if I were you, ना देखिए वही बताए जो अभी आप लोगों को, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो डॉक्टर से मिलता, इमेजिन कर रहे हैं हम तो तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हारे स्थान पर तो हम नहीं हैं। If I were you, अगर मैं तुम होता, अगर तुम होते है ना, तो I would see a doctor, तो मैं एक डॉक्टर से मिलता, I would see, देखिए If I had never seen her before, यहाँ हेड से कैसे पता चला, तो सीन है तो सीन के बाद हेड है, अब इसको हेड मानेंगे चूँकि आगे क्या है भीतरी ना, तो भीतरी रहेगा तो किसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा हेड का, अगर आगे जस्ट भी वन रहेगा तो किसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा उड का हो जाएगा। देखिए चूँकि मॉडल वर्ब के बाद भी वन और हेड के बाद भीतरी का प्रयोग करते हैं उसको तो हम लोग जानते हैं, तो ये सब आप लोग थोड़ा देख लेंगे, हम पिछले क्लास में भी इस पर जिक्र किए थे, ये सब लिख लेंगे कोई बहुत, हमने तो बोला भी था कि आप लोग उम्र करके एगो पूरा एगो लिस्ट बना करके समझ करके तो दिखाइए हमको लिख करके, ताकि हमको लिखने से क्या होता है कि सब याद हो जाता है। अरे भाषा में क्या है ना, लिखिए पढ़िए बोलिए है ना, रीड राइट एंड स्पीक एंड लिसन चार चीज़ चाहिए, टेलीविज़न पर भी सुनते रहिए न्यूज थोड़ा सा डिबेट उबेट आता है देखिए है ना, बहुत ठीक हो जाएगा। भाषा तो सीखना बहुत आसान काम है, प्रैक्टिस चाहिए लिखने उखने का, आसानी से सीख लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। चलिए तो हमने दिखा आप लोगों को दिखाया यहाँ पर, हाँ प्लंजिन को तो दिखाएंगे कि यहाँ प्लंजिन आप देखिए फ्रेजल वर्ब जो होता था पेज नंबर 56 में देखे रहे हैं, प्लंजिन मीनिंग गो टू द ओ गो स्टेट टू द टॉपिक, सीधे टॉपिक पर चल जाना, आज फोकस हम लोग का ग्रामर पर ज़्यादा रह रहा है, इसको देखना है ग्रामर ठीक हो जाएगा तो खुद से पढ़ भी लेंगे कहीं दिक्कत नहीं होगा। द सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड वर्ड ऑफ माई स्टोरी किट्टी, किसी को कोई समझ में नहीं आएगा एक शब्द भी नहीं, माई स्टोरी टू किट्टी मेरी जो कहानी है जो मैं किट्टी को कह रही हूँ मेरी डायरी को, एक शब्द भी किसी को समझ में नहीं आता। If I were to plunge right in, ठीक मैं डायरेक्ट टॉपिक पर चली जाती अर्थात मैं जाऊंगी नहीं, किसने का मतलब है कि मैं ऐसा करने वाली नहीं, तो क्या करूंगी, तो I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so, much बहुत ज़्यादा तो मैं क्योंकि इस चीज़ को पसंद नहीं करती हूँ, dislike doing so मुझे पसंद नहीं है ऐसा करना, सो मैंने ऐसा इस तरह से करना पसंद नहीं है, तो आई हैड बेटर, अब कहिए कि हैड बेटर प्रोवाइड, तो यहाँ हैड हैड बोल रहे हैं है क्योंकि आगे बेटर है तो भी वन है, तो यहाँ आप हैड नहीं समझिए वुड नहीं समझिएगा, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि वुड के बाद अगर भी वन रहे तो, अगर इस शॉर्ट फॉर्म के बाद भी वन रहे डी के बाद भी वन रहे तो इसको वुड मानेंगे,
अगर भी थ्री रहे तो हेड डी को हम लोग क्या मानेंगे, हेड मानेंगे हुँ? लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर में अंतर है। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में बेटर है, डायरेक्ट वी वन नहीं है, आई हेड बेटर ना प्रोवाइड। आप पढ़े होंगे 35 में, इंटरमीडिएट में तो नहीं है, जिनके पास इंटरमीडिएट हो निकालेंगे 35 यूनिट 35। जैसे देखिए हेड बेटर है ना, इट इज़ टाइम, तो हम लोग देखें कि दो टॉपिक इसमें इट इज़ टाइम को बताया गया हेड बेटर, तो हेड बेटर हो गया शॉर्ट फॉर्म, हेड बेटर हो गया हेड बेटर टू डू समथिंग, शॉर्ट में हेड बेटर है। इट इज एडवाइजेबल टू डू इट, इफ आई डोंट देयर विल बी ए प्रॉब्लम और ए डेंजर, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो समस्या होगी। आई हैव टू मीट अन इन 10 मिनट, मुझे अन से 10 मिनट के अंदर मिलना है इन 10 मिनट। इफ आई हैड बेटर, आई हैड बेटर गो नाउ और आई विल बी लेट, बेहतर रहेगा कि मैं अभी जाऊँ नहीं तो देर हो जाएगी ना। शैल आई टेक एन अम्ब्रेला, क्या मैं छाता ले लूँ, यस यू हैड बेटर इट माइट रेन, हाँ बेहतर रहेगा नो हैड बेटर तुम्हारे लिए, इट माइट रेन हो सकता है कि बारिश हो। यू हैड बेटर स्टॉप फॉर पेट्रोल पम्प, द टैंक इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, टैंक करीब करीब खाली है, एम्प्टी मैंने खाली, तो वी हैड बेटर स्टॉप फॉर द पेट्रोल सून, तो बेहतर रहेगा कि हम लोगों को एडवाइजेबल है ये सलाह है। देखिए इट इज एडवाइजेबल टू डू इट, आई इफ आई डोंट, अगर नहीं करेंगे तो इट विल बी ए प्रॉब्लम और ए डेंजर, से समस्या होगी, हो सकता है कि हम लोग पेट्रोल खाली है, नहीं पेट्रोल लेंगे तो आगे चल करके पेट्रोल खत्म हो जाए रास्ते में। तो यहाँ हम एक एडवाइस दे रहा है, शुड का सेंस लेता है ना, शुड जनरली। अब देखिए समझने के लिए हैड बेटर, समथिंग दैट विल बी डूइंग हैड बेटर, यू हैड बेटर बी ऑन टाइम, बेहतर रहेगा कि हम लोग आप समय पर आओ, ऑन टाइम एकदम बिल्कुल टाइम पर, नाइदर लेट नॉर बिफोर, ठीक। फॉर्म द हैड बेटर, यूजुअली हैड बेटर देखिए यहाँ इट इन स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करती, आई हैड बेटर फोन है ना, बेहतर रहेगा कैरल डिडंट आई, फोन कर देता हूँ। हैड इज ए पास्ट फॉर्म, स्वाभाविक हैड पास्ट फॉर्म में है, बट दिस एक्सप्रेशन इन द मीनिंग इज प्रेजेंट और फ्यूचर, बट इन दिस एक्सप्रेशन द मीनिंग इज प्रेजेंट और फ्यूचर नॉट पास्ट। हाँ यही हम बताना चाह रहे हैं, दो बात यहाँ बताना है कि हैड के बाद बेटर है तो हम लोग हीवन का प्रयोग समझेंगे, ये नहीं समझ लें कि यहाँ वुड है, और यहाँ सलाह की बात हो जाती है, बेहतर है कि आप ऐसा कीजिए है ना। यू हैड बेटर फर्स्ट डू योर होमवर्क देन गो आउट, बेहतर रहेगा कि आप पहले अपना होमवर्क कर लो तो बाहर जाओ ना, हैड बेटर सजेशन है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ आप, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये तो पास्ट में है, फॉर्म है, लेकिन मीनिंग कहाँ है, प्रेजेंट और फ्यूचर नॉट पास्ट में। जैसे यू हैड बेटर गो टू द बैंक नाउ और टुमॉरो, आई हैड बेटर गो टू द बैंक नाउ और टुमॉरो, बेहतर रहेगा कि मैं अभी बैंक जाऊँ या कल जाऊँ, तो यहाँ हैड का मतलब पास्ट, तो फॉर्म है लेकिन मीनिंग हमारा कहाँ है, प्रेजेंट और फ्यूचर में। यही चीज यहाँ बताया गया है, ध्यान दीजिए आप। तो इफ आई हैड प्रोवाइडेड, आई हैड बेटर प्रोवाइडेड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, तो बेहतर है कि मैं अपने जीवन का उस संक्षिप्त स्केच, मैंने करेक्टर स्केच जो होता है, खाका जो है अपना संक्षिप्त खाका आउटलाइन मैं अपने जीवन का दे दूँ। अगर ऐसा नहीं करूँगा तो हमको नहीं लगता है कि कोई किसी को भी मेरे कहानी का, जो कहानी में डायरी किट्टी को लिख रही हूँ, उसका एक शब्द भी समझ में आया। इमेजिनेशन है एक तरह से, हम ऐसा बेहतर रहेगा, ठीक है। यू हैड बेटर फ्लाई, बेहतर रहेगा कि आप हवाई जहाज से चले जाओ, है ना। यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, इट माइट रेन, तुम्हारे लिए बेहतर है कि छत्ता ले लो, हो सकता है कि बाहर वर्षा हो, हैड बेटर, ठीक है। तो
तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दे दे करके देख लेंगे, है ना। लेकिन लड़की कह रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं आई वुड डिसलाइक डूइंग सो, मैंने मच लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं पसंद करती हूँ डूइंग सो ऐसा करना, लेकिन मजबूरी है। अगर मैं नहीं ब्रीफ स्केच देती हूँ अपने जीवन का, सीधे टॉपिक पर चली जाती हूँ, तो नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी, एक शब्द भी किसी को शायद समझ में ना आए। ठीक है, तो क्या परिचय है देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, मेरे पिताजी जो बहुत प्रिय है, एडोरेबल मैं लवेबल मैंने प्यार करने वाले, आई हैव एवर सीन, जो मैं का शायद ही कभी देखी हूँ, डिड नॉट मेरी, माई फादर डिड नॉट मेरी टू माई मदर अनटिल सी वॉज 36, अनटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। पिताजी तब तक शादी नहीं किए, जो है तो बहुत प्यारे, जिनसे ऐसे आदमी, इस तरह के आदमी को तो मैं शायद ही कभी देखी हूँ ना, जीवन में अभी तक मिला भी नहीं। मैं लेकिन उन्होंने शादी नहीं की, माई फादर डिड नॉट मेरी माई मदर्स अनटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। जब तक 36 के नहीं हो गए और मार्च 25 की नहीं हो गई, तब तक शादी नहीं हुई, ऐसे ही रहे लोग। माई सिस्टर्स मार्गरेट, याद रखें मेरी बहन मार्गरेट है, बड़ी बहन है, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, है ना, 1926 में जर्मनी में एक फ्रैंकफर्ट शहर है ना, वहाँ पर जन्म लेती है, बहुत बड़ा शहर है वहाँ का जर्मनी का। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, मेरा जन्म मतलब एनी का जन्म होता है 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं फ्रैंकफर्ट में रही जब तक मैं 4 साल की नहीं होगी, अंटिल अनलेस, जानती हूँ टाइम बताने के लिए, अंटिल। माई फादर्स इमिग्रेटेड टू होलैंड, इमिग्रेट मैंने वेंट टू रिजाइड, इमिग्रेट चले गए, इमिग्रेट माइग्रेट होता है, इमिग्रेट एक्स हो गए बाहर, इमिग्रेट अगर यहाँ आई कर दें, आई एम कर दें, आई एम तो आ गए, किसी दूसरे देश से आके बस जाना, इसमें होता है कि अपना देश छोड़ करके दूसरे जगह चले जाना, जर्मनी चले गए, हॉलैंड दूसरी कंट्री है, इसलिए एक्सपोर्ट हो गए एक तरह से समझिए, ई से एक्सपोर्ट, आई एम आई से इम्पोर्ट। तो माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, पिताजी हॉलैंड चले गए 33 में। माई मदर्स एडिथ होलैंडर्स फ्रैंक, माँ का नाम एडिथ होलैंडर फ्रैंक, वेंट विथ हिम टू हॉलैंड, उनके साथ वो भी चली गई हॉलैंड इन सितंबर में। व्हाइल मार्गरेट एंड आई वर, जबकि मार्गरेट और दोनों हम लोग सेंट टू एथेंस टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, जबकि हम दोनों को भेज दिया गया, है ना, वर सेंट, देखिए आई के साथ वर नहीं, दोनों एक साथ है, वह मार्गरेट एंड आई प्लुरल है, इसलिए वर हो गया, पैसिव का स्ट्रक्चर, हम लोग को भेज दिया गया दादी माँ के साथ रहने के लिए। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और वो दिसंबर में गई, एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मुझे दिसंबर के बाद हम फरवरी में हम गए, एंड आई वॉज प्लक डाउन ऑन द टेबल, उन्हें बर्थडे प्रेजेंट ऑफ फॉर मार्गरेट, बड़ी बहन का बर्थडे था, उसमें हमको प्रेजेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में प्लक डाउन, देखिए इनफॉर्मल वर्ड, मैंने पुट डाउन इन ए कैजुअल वे, ऐसे ही उसको बिना बताए ही रख दिया गया कि देखो एक गिफ्ट के रूप में मैं ही हो गई उसका बर्थडे। आई स्टार्टेड राइट वे एट द मोंटेसरी, राइट वे का मतलब इमीडिएटली, तुरंत राइट वे, देखिए इमीडिएटली एक ही साथ रखेंगे, डीएमएटी यूज है। आई स्टार्टेड राइट वे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, मैं तुरंत मेरा क्लास शुरू हो गया मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टे दियर अंटिल आई वॉज सिक्स, मैं वहाँ पर 6 साल तक रही, जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई तब तक वहीं रही, अंटिल आई वॉज सिक्स आई स्टे दियर, वहाँ कहाँ तो मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में। एट विच टाइम उस वक्त आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, पहला फॉर्म मैंने पहली क्लास में मेरी पढ़ाई शुरू हुई। इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर्स वॉज मिस क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस थी, वो हेडमिनिस्ट्रेटर थी, प्रधानाध्यापिका थी। एट द टाइम ऑफ एट द एंड ऑफ द
टीयर, वी वी आर बोथ इन टीयर, जब ईयर समाप्त हो गया तो हम लोगों के दोनों की आंखों में आंसू आई। एज वी सेड, ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था, एकदम विदाई जो हुआ लगा कि दिल टूट गया। इस तरह से हम दोनों फील किए। देखिए बच्चा की कैसी फीलिंग है ना, दोनों की आंखों में एक लगाव है टीचर के प्रति। इन द समर ऑफ 1941 ग्रांट मा फेल इन एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। दादी माँ बीमार पड़ गई 41 में, उसको ऑपरेशन करना पड़ा। हैड टू हैव एन ऑपरेशन, मजबूरी में करना होता है सर्जरी, तो भाई लास्ट स्टेज होता है। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा बर्थडे ऐसे ही बीत गया। लिटिल मैंने नेगेटिव आइडियाज है, ए लिटिल दे लिटिल पढ़े ही होंगे है ना, इंटरमीडिएट में आप लोग लिटिल दे लिटिल दे लिटिल है। ग्रांट मदर डाइड, मर भी गई जनवरी 1942 में ऑपरेशन के बस एक साल के बाद चली गई दुनिया छोड़ कर के, अलविदा है ना। नो वन नो हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, किसी को पता नहीं कि मैं कैसे सोचती हूँ अक्सर उसके बारे में। एंड आई स्टिल लव हर, और अभी भी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 का जो बर्थडे सेलिब्रेशन वाज टेंडेड टू मेक अप फॉर है ना, डिजाइन किया गया था मेकअप फॉर द अदर्स। द ग्रांट मा कैंडल वाज लिट अलोंग विथ द रेस्ट, मेकअप फॉर उसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए किया गया ना, जो कि पहला बर्थडे। सो माई बर्थडे पास विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए दादी माँ जब मरी जनवरी में तो मेरा तो जून में था, स्वाभाविक है कि जून में पैदा ली थी। देखिए 12 जून को पैदा ली है तो जनवरी तो मर गई तब तक ले हम बोल, तो अब जून में जब मेरा जन्मदिन मनाया गया तो क्षतिपूर्ति अदर का दूसरा जो है, पहला जो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन 41 वाला जो उस समय ऑपरेशन हुआ था, कोई चहल पहल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुआ, तो ये मेकअप फॉर हुआ। टू मेकअप फॉर मतलब क्षतिपूर्ति, हम लोग यहाँ देखे थे आपको बताए थे फ्रेजल भर में, मेकअप फॉर का मतलब कॉम्पेंसेट करना, क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, फ्रेजल भर भी सबको ध्यान से देखना। ठीक, थैंक्स। मेकअप फॉर ग्रैंड माँ का कैंडल भी जलाया गया, कैंडल उनका जला। इसके बाद फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों माँ हो गई, फादर हो गए, बहन मार्गोट बड़ी बहन, चार गो रह गए तो चल बसी दुनिया छोड़कर ना। द फोर ऑफ अस वी आर स्टिल डूइंग वेल, अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ इतना 12th June 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन टू माई डैडी। अब मैं अपने आप को इतना दिन तक ले तो बहुत अच्छा से चला, और अब मैं सलेम का मतलब सीरियसली गंभीरतापूर्वक मैं डेडिकेट हो गई माई बर्थडे डायरी के लिए है ना, माई डायरी को अब समर्पित हो गई। सलेम का मतलब सीरियसली, अब मैं समर्पित हो गई डायरी, अब लिखना है चूँकि डायरी लिखी। ये उसका परिचय रहा अपना घर का, और यहाँ से इससे डायरी लिख के वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरी को। अगले वीडियो तक के लिए हम लोग यहाँ रुक जाते हैं, स्टॉप हियर। एंड वेरी वेरी थैंक्स ऑल ऑफ यू, प्लीज सी द इंटरमीडिएट द यूनिट 2 आई एक्सप्लेन हियर एंड ऑल्सो रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड हैव ए गुड डे।